मैं जब ये वाला मैच देख रहा था ना, तभी मैं सोच रहा था कि यार अभी तो WSB के प्लेयर्स को आपने स्पॉट किया था, वहां मार रहे थे, अब अभी देखो ये चीज, ठीक है। जॉनथन जी गॉड है जिन्होंने इन दो प्लेयर्स को देखा है, ये दो प्लेयर को वो डैमेज देना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जॉनथन वापस से ओपन में निकल जाएगा, वो सिचुएशन थोड़ी सी समझ के बाहर थी, पर बाकी गॉडलाइक के दो प्लेयर जोन के अंदर बैठे, ये दो प्लेयर जोन के बाहर फिनिशेस लेने के लिए, हालांकि वो फिनिशेस मिला भी नहीं। जॉनथन ने इस मैच में शायद 3 से 4 नॉक्स किए थे, पर वो फिनिश नहीं हो पाया और डाउन होने के बाद उसको पता चला कि हाँ यहाँ पे एक बच गया था, एक रह गया था, पर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन और कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई, अदरवाइज ये मैच तो बहुत आसानी से गॉडलाइक के खाते में जा सकता था। पर फिर भी तुम कह सकते हो कि ओवरऑल ठीक ही खेला, उतना भी खराब नहीं था, उतना भी अच्छा नहीं था। इस वाले सीन में भी ऑब्वियसली गलती हुई टीम गॉडलाइक से, जहां पर वो एक साथ नहीं आ पाए। तुम एक चीज के लिए देखो ना कि जॉनथन को उन्होंने पीछे छोड़ रखा है, अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, पर प्रॉब्लम ये हुई कि तीनों सिंगल कंपाउंड पे आके रुक गए और वहीं पे ये जो प्लेयर्स थे टीम प्रिंस के, वो इतना स्प्रेड थे कि वो बाकी कंपाउंड्स को आराम से रीड करके वहां पे जा सकते थे। देखा जॉनथन के पास व्यू कितना है, या तो वो इस सिंगल प्लेयर को देख सकता है, या तो वो यहां वाले प्लेयर को आते हुए देख सकता है, क्योंकि ये तो डिप है, यहां से तो वैसे भी वो नहीं देख सकता, और इन प्लेयर्स को तो कोई कवर फायर प्रोवाइड वो कर भी नहीं सकता। पर स्टिल मैं सच में बताऊंगा कि भाई जॉनथन ने जो इस मैच में सर्वाइवल गेम खेला है ना, जो उसने वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाई है, हालांकि आमतौर पे जॉनथन की तरफ से ट्रिगर डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता, पर स्टिल उसने जो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया, वो 4 फ्रैग्स निकाले और शायद उसके पास एक प्लेसमेंट पॉइंट था ना, 8वें प्लेस पर आके वो समाप्त हुए थे, पर ठीक है, मतलब ओवरऑल अच्छा था। पर जॉनथन ने वो जो 4 फिनिशेस निकाले ना, तब भी 5 टोटल पॉइंट लेकर जाना भाई, वो बहुत ही शानदार था। और यही सेम गलती उनका एरेंगल में वापस वही सेम गलती। ये देखो जॉनथन ऊपर रह गया, मैक और जेली जस्ट अभी नीचे गए क्योंकि मैक की HP कम हुई, ये दोनों नीचे चल गए, जॉनथन यहाँ पे फंस गया। और जी गॉड की तुम पोजीशनिंग देखोगे तो शायद वो दूसरी ओपनिंग के पास था, हाँ वो दूसरे वाले ओपनिंग के पास था, शायद जॉनथन ने कॉल दिया गया, जॉनथन ने कॉल दिया होगा कि भाई जी गॉड जरा आओ ऊपर, जरा कवर फायर दो, पर उसके पहले ही वो वहां पे डाउन हो गया, इसलिए थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो गई। बिना इन्फॉर्मेशन के ऐसे रश करना, इतने ज्यादा ओपन में कुछ इस तरीके से रश करना, वो भी ऐसे एक सिंगल, आई गेस वो एक सिंगल गाड़ी थी जिसमें वो लोग रश कर रहे थे, दो को पहले गिराया गया, एक को ऐसे गिरा दिया गया, समझ से थोड़ा पड़े था कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, मिस कम्युनिकेशन ही मैं उसको कहूंगा वैसा। बाकी ओवरऑल तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही ज्यादा शानदार था।